नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज आज लेके आया हूँ समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार अष्टोत्तक के माध्यम से बहुत बेहतरीन संस्कार है, लेकिन आजकल की स्थितियों में समवर्तन संस्कार हो ही नहीं सकता। समावर्तन संस्कार जो है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो गुरुकुल है ना तो परंपरा है। लेकिन मित्रों, अगर इस संस्कार का उल्लेख किया जाए तो शिष्य के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका पूरे जीवन निभाता है, क्योंकि समावर्तन अर्थात गृहस्थ की ओर आगमन, गुरु जब समझता है कि मेरा बच्चा परिपक्व हो गया है, इसके जीवन में अब ज्ञान का भंडार आ गया है, ये अब जो है पढ़ लिख करके जो अपने तथा अपने परिवार को संभालने योग्य हो गया है, तब जो है समावर्तन संस्कार करके उसे जो है विदाई दी जाती है। और इसकी प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, आनंददायिनी है। पूरे छात्र होते हैं, गुरुकुल के लोग होते हैं, उनके बीच में समावर्तन संस्कार किया जाता है। 8 घड़े रखे जाते हैं, घड़ों में सुगंधित जल, उत्तर की तरफ वेदी बनाई जाती है भगवान की। पूजन अर्चन पाठ के पूर्व 8 घड़ों से स्नान कराया जाता है, वेद मंत्रों का वाचन होता है, छौर कर्म के पश्चात होता है। छौर कर्म तो आप इसके पहले का संस्कार है, जब छौर कर्म हो जाता है तब समावर्तन होता है। तब छौर कर्म होने के बाद यह समावर्तन संस्कार स्नान से प्रारंभ होता है। पूजन पाठ यज्ञ नियम सब कुछ होने के बाद गुरु से आज्ञा ली जाती है, गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। आपने बहुत सुन रखा होगा कि गुरु दक्षिणा आवश्यक है, तो इसी समावर्तन संस्कार में जो है द्रव्य दक्षिणा देने का विधान है। द्रव्य दक्षिणा दी जाती है, गुरु की इच्छाओं की पूर्ति, गुरु जो आपसे मांगना चाहता है उसको आपको देना पड़ता है। समावर्तन संस्कार ही यह संस्कार है कि जो देने की भावना उस विद्यार्थी के अंदर उत्सुकता बनी रहती है कि अपने गुरु को मैं क्या दूं जिससे कि गुरुजी मेरे खुश हो और आशीर्वाद दें कि हम निश्चित रूप से अच्छे योग्य शिष्य बने रहेंगे। तो यह होता है समावर्तन संस्कार। इसके बाद जो है सब कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शिष्य अपने गुरुकुल से अपने गृहस्थ पिता के घर की ओर चल देता है। वहाँ पे उसका निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। यह जानकारी आपको अष्टोत्तक के माध्यम से मित्रों दी गई है। आप लोगों का परम कर्तव्य है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।